हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। आज हम करने जा रहे हैं HTET 2019 के TGT मैथ्स का पार्ट 4, डेट इज़ मैथमेटिक्स पार्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है हम उसको कंपेयर करें तो a हमारे पास आता है 1, बी है 99 एंड सी है हमारे पास 127। ये सब वैल्यूज जब इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जो हमारे पास दोनों रूट्स आएंगे वो आएंगे दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, पार्ट बी, डेट इज बोथ रूट्स आर नेगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय 4, 6, 8 या 10। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मोड जो है मीन से 12 ज़्यादा है, तो हमें ये बताना है कि मोड जो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। तो हमें मोड हमने ले लिया m0 कितना दिया है, मीन से 12 ज़्यादा। तो m0 इक्वल टू म्यू बार क्या है, मीन प्लस 12। तो यहाँ से हमारे पास म्यू बार की वैल्यू क्या आ गई, मोड माइनस 12। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला याद होगा मीन मीडियन मोड के रिलेशन का, डेट इज़ मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू है म्यू इक्वल टू एम नॉट माइनस 12। ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हुए हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, एम नॉट इक्वल टू 3ME माइनस 2M0 माइनस 12। और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम नॉट इक्वल टू ME प्लस 8, डेट इज मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय 8। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पार्ट, डेट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर इन द सेम वे, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इनडेफिनेटली इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक और स्क्वायर आएगा, फिर उस अंदर वाले स्क्वायर के भी मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, फिर एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस इंडेफिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। हमें बताना है इन सब का सम क्या होगा, एरियाज का। अब इस क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 स्क्वायर, डेट इज 16। अब जब हम इस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक और स्क्वायर मिलेगा जो रेड पेन से इधर दिखाया हुआ है। अब इस रेड पेन से जो बनाए हुए स्क्वायर की साइड्स है वो हमें निकालनी है। अब हमें पता है कि स्क्वायर के डायगनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। तो अब हम कोई भी एक साइड ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे इसमें से। अब हमने सपोज ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कि ये दोनों जो लेंथ है ये इक्वल होगी। तो ये क्या हो गया, 2, सेम इज़ विथ दिस 2। तो हमारे पास यहाँ से हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 2√2। तो जो इनर स्क्वायर बना है उसकी हमारे पास लेंथ क्या आ गई, लेंथ कह ले या साइड कह ले, 2√2। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, डेट इज 8 का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाएंगे इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, देन अगेन हमारे पास सेम ट्रायंगल आएगा जिसकी साइड्स क्या होगी, √2√2। तो यहाँ से हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, 2। तो यहाँ से हमारा थर्ड स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 4। तो अब हमें ये पता लग रहा है कि एक तरह की सीरीज बन रही है। तो यहाँ से हम ईजिली देख सकते हैं कि ये 2 की पावर के फॉर्म में एक GP सीरीज बन रही है, फ्रॉम 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर
0 प्लस 2 की पावर माइनस 1 माइनस 2 ऐसे ऐसे ये सीरीज चलती रही। 2 की पावर 0 तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते गए और हमारे पास क्या आ गया 31। उसके बाद हमें क्या मिल रही है, एक जीपी सीरीज 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 की पावर माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। और हमें पता है सम ऑफ इन्फिनिट जीपी क्या होती है, ए 1 माइनस आर डेट इज़ 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 31 प्लस 1 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट डेट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। तो इसमें सबसे पहले तो हम इन नंबर्स की एवरेज निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 7। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 नंबर्स और 7 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, 3/3। तो यहाँ से हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ गया, फोर्थ पार्ट डेट इज 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 years। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 124। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। अब इस क्वेश्चन में हम सपोज कर लेंगे कि जो फादर की फादर की एज है एक्स, तो सन की एज क्या हो जाएगी, 45 माइनस एक्स। तो 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी, 5 साल कम होगी, तो एक्स माइनस 5। सिमिलरली सन की एज क्या होगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5 डेट इज 40 माइनस एक्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। तो ये क्या हो जाएगी, फादर की एज और सन की एज का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 124 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ गई एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास टू वैल्यूज आएगी एक्स की, 36 एंड 9। 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर 45 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 36, और हमें पता है कि फादर की एज कभी सन की एज से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास फादर की एज क्या आएगी, एक्स इक्वल टू 36। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड पार्ट दैट इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन ए के। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, थर्ड पार्ट सी अपॉन ए। 97th, a man starts with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year in his salary. If his salary was ₹1500 after 4 years of service and ₹1800 after 10 years of service, what was his starting salary? तो ये हमारे पास क्योंकि फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारे पास एक तरह की एपी की सीरीज बन जाएगी। और हमें क्या दिया हुआ है, 4 साल बाद उसकी इंक्रीमेंट लगा के सैलरी है 1500 और 10वें साल के अगले साल कितनी है, मतलब 11th ईयर में 1800। तो एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से ए 5 क्या आ जाएगा, ए प्लस 4 डी इक्वल टू 1500 और ए 11 ए प्लस 10 डी इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 50 और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1300। तो यहाँ से हमारे आंसर क्या हुआ, ₹1300। नाउ 98th क्वेश्चन,
द सेवंथ एंड 21st टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 एंड -22 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 26th टर्म। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू 6, a21 क्या हो जाएगा, a प्लस 20d इक्वल टू -22। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -2 और a की वैल्यू आ जाएगी 18, और a26 हमें निकालना था, a26 क्या होगा, a प्लस 25d, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a26 -32 के इक्वल। तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, डेट इज -32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 31, 34 is 27.5, then x is equal to। तो इस इक्वेशन में टोटल 8 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगी 4th और 5th टर्म। और इस गिवन सीरीज में 4th और 5th टर्म कौन सी हैं, x+2 और x+3, तो ये वैल्यूज पुट कर देगा x+2 x+3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x+5 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 27.5, तो इसके इक्वेट कर देंगे 27.5 से, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x=25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट, डेट इज़ x=25। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टर्म इन एन एक्सपेंशन ऑफ बस ए की पावर एन इज, अब ये हमें पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन किसके इक्वल होती हैं, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एच सी एफ ऑफ 56 एंड 72 कैन बी रिटन एज 56x+72y, देन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली पहले तो एच सी एफ निकालना है 56 और 72 का। एच सी एफ कैसे निकलता है, दोनों का हम प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिख देंगे और जो कॉमन टर्म्स आएगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एच सी एफ क्या आ गया, 8। अब हमें इसको किस टर्म्स में लिखना है, 56x+70y, यहाँ पे हम x और y की ऐसी टर्म्स रखेंगे जिससे जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का वो इक्वल टू 8 हो जाए। अब हमें पता है अगर दोनों टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव में होगी तो ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ये 56+72 से ज़्यादा ही होगी, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट हो गया। लास्ट ऑप्शन में भी दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस भी दोनों ऐड हो जाएंगे और रिज़ल्ट हमारा माइनस में है नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट, दो ऑप्शन कट हो गए। अब सिंपली क्या करेंगे, 56x+72y में ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 रख के देख लेंगे, दोनों में से जिस ऑप्शन को रख के हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर हम x को 4 रखते हैं और y को -3 रखते हैं तो हमारे पास 56 × 4 + 72 × -3, दैट इज़ 224 - 216, दैट इज़ 8। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, x=4 एंड y = -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल डी, इफ एंगल ए इज़ 140 एंड एंगल डी इज 60 देन फाइंड एंगल बी। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्या दे रखा है, अब हमें इसमें क्या दे रखा है, एक तो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी इज ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल डी, और यहाँ पे हमें एंगल ए और एंगल डी भी गिवन है, तो सिंपली हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे। उसमें क्या होता है कि जो सारे
एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उस कसम किसके इक्वल होता है 360 डिग्रीज के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी एज इट इज़। ये दोनों ऐड हो के क्या हो गया 2+1 3, 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 120। सो एंगल डी भी हमारे पास क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब उस साइड ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो और हमसे पूछा गया हमें एंगल बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया फर्स्ट पार्ट डेट इज़ 60 डिग्री। इसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।